वैलेंटाइन डे करीब है और ऐसे में प्यार के उन दीवानों को भी याद कर लिया जाए जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर प्यार को नया आयाम दिया, जिनकी ऑन स्क्रीन मोहब्बत ने युवा दिलों में प्यार की कलियां खिलाई। आज हम आपको कुछ ऐसी ही जोड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से दूसरों को प्यार करना सिखाया लेकिन खुद कभी अपने प्यार को साकार नहीं कर पाए। मधुबाला और दिलीप कुमार। मधुबाला और दिलीप कुमार शादी करना चाहते थे लेकिन मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि वो दिलीप से नजदीकियां बढ़ाए। परिवार की नाराजगी की वजह से ये दोनों शादी के बंधन में नहीं बन सके। बाद में दिलीप कुमार ने सायरा बानू से शादी कर ली और मधुबाला ने किशोर कुमार से। गुरुदत्त और वहीदा रहमान। गुरुदत्त ने अपनी पहली फिल्म में वहीदा रहमान को एक नेगेटिव रोल देकर फिल्मों में ब्रेक दिया था। इस फिल्म के बाद वहीदा गुरुदत्त के दिलो दिमाग पर कुछ इस तरह से छाई कि उन्होंने अपनी अगली कई फिल्में उन्हीं के साथ बनाई, लेकिन वहीदा का प्यार हासिल ना कर पाने से निराश गुरुदत्त की आत्महत्या को आज तक इस अधूरी प्रेम कहानी से जोड़कर देखा जाता है। देव आनंद और सुरैया। देव आनंद और सुरैया एक दूसरे को बहुत चाहते थे। यह बात न केवल फिल्म इंडस्ट्री के लोग बल्कि फिल्मी दर्शक भी अच्छी तरह जानते थे, लेकिन सुरैया की नानी को ये रिश्ता नामंजूर था क्योंकि वो एक हिंदू मुस्लिम शादी के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने देव आनंद को सुरैया से दूर रहने की हिदायत दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी तक दे डाली, जिसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। नरगिस और राजकुमार। नरगिस के साथ राजकुमार की केमिस्ट्री जितनी शानदार पर्दे पर थी उससे कहीं ज्यादा पर्सनल लाइफ में, लेकिन पृथ्वीराज कपूर किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि नरगिस उनके घर की बहू बनकर आए। वही मदर इंडिया के सेट पर लगी एक भयानक आग की घटना ने सब कुछ बदल दिया और नरगिस हमेशा के लिए सुनील दत्त की हो गई। बॉलीवुड से जुड़ी कुछ ऐसी ही मजेदार खबरों के लिए बने रहे इंडिया बॉलीवुड वायरल के साथ।